नमस्कार, वेलकम टू कुकिंग विद अंकित। मैं सुप्रीति आपका कुकिंग को इनकरेज करने के लिए आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ समोसा सैंडविच। समोसा सैंडविच बनाने के लिए मैं यूज़ करूँ एक समोसा, एक प्याज चॉप कर लिया है, हाफ कैप्सिकम चॉप कर लिया है, एक टमाटर चॉप कर लिया है, 1 टीस्पून सैंडविच मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून टमाटो सॉस, 1 टेबल स्पून हरी चटनी, हाफ टी स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 चुटकी काला नमक, 1/4 टीस्पून ग्रेटेड अदरक, 1 टीस्पून ऑयल, 1/4 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून बटर, और मुझे चाहिए 2 सैंडविच ब्रेड की स्लाइस। समोसा सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन को गरम कर लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी ऑयल। तेल गरम हो गया, अब मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप किया हुआ प्याज। ग्रेटेड अदरक, इसको 2 मिनट के लिए सौते करूंगी। प्याज अदरक सौते हो गए हैं, अब मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप किया हुआ कैप्सिकम और टमाटर। इसको 1 मिनट के लिए सौते करेंगे। टमाटर शिमला मिर्च सौते हो गए हैं, अब मैं इसमें डालूंगी नमक, काला नमक, सैंडविच मसाला, लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। मसाले के साथ सब्जी अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब मैं डालूंगी इसमें समोसा और समोसा को कांची से अच्छे से प्रेस करके इसके साथ मिक्स करूंगी। समोसा को मैंने अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर दिया है, अब ये फिलिंग रेडी है। मैं गैस ऑफ करूंगी और इसको एक बोल में निकाल लूंगी। मैंने फिलिंग को कटोरी में डाल लिया है, अब मैंने ब्रेड स्लाइस को लूंगी और एक ब्रेड स्लाइस के ऊपर हरी चटनी लगाऊंगी। मैंने हरी चटनी अच्छे से अप्लाई कर लिया है, अब मैंने इसको एक दूसरा प्लेट में रखूंगी और दूसरा जो स्लाइस है उसमें मैंने टमाटो सॉस डालूंगी। टमाटो सॉस अच्छे से मैंने स्प्रेड कर लिया है, अब मैंने बीच में रखूंगी ये समोसे की फिलिंग। मैंने अच्छे से बना हुआ फिलिंग को स्प्रेड कर दिया, अब इसके ऊपर हरी चटनी अप्लाई किया हुआ इस सैंडविच कवर करूंगी और बीच में से इसको ट्रायंगल शेप में काटूंगी। मैंने ऐसे काट लिया है, अब इसको बटर में थोड़ा सा फ्राई करूंगी। सैंडविच को सेकने के लिए मैंने एक तवा गरम कर लिया है, अब मैंने इसमें डाल रही हूँ बटर। तवा में बटर को अच्छे से ग्रीस कर लूंगी। अब मैं सैंडविच को रखूंगी।
सैंडविच नीचे से सीक गए हैं, अब मैंने इसको पलट दूंगी। सैंडविच दोनों तरफ से सीक गए हैं, अब मैंने इसको प्लेट में निकाल लूंगी। अब मैं फिर से थोड़ा सा बटर ग्रीस करूंगी और दूसरा सैंडविच को रखूंगी। सैंडविच नीचे से सीक गए हैं, अब मैंने इसको पलट दूंगी। नीचे से भी सीक गए हैं, अब मैंने इसको प्लेट में निकाल लूंगी। समोसा सैंडविच रेडी है, आप इसको ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए प्लीज मेरा कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।